अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात करने के बाद वापस रवाना हो गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात जारी रही। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा। साबिक सदर इमरान खान आसफ अली जरदारी आज जब लाहौर आए तो एक लाहौर में एक सियासी हलचल मच गई और उन्होंने लाहौर आते ही सबसे पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनकी मुलाकात के फौरन बाद वो गुलबर्ग चले गए, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। इस मुलाकात में तारिक बशीर चीमा और सालक हुसैन भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर जब दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पीके और पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। आसफ अली जरदारी ने इस मौके पर वजीर आजम से होने वाली मुलाकात का हवाला भी शिजात को बताया और उनको होने वाली गुफ्तगू के मतलब उनसे उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि हम दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि चौधरी परवेज लाई से जो है वो चौधरी शिजात को कहा कि आपको टास्क दे दिया गया है कि आप खुद ही उनसे बात करें और जब तक आप ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे और उस वक्त तक उससे पहले हम परवेज अली से मुलाकात नहीं करेंगे। और जिस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पंजाब असम्बली को हर सूरत में तहलील होने से बचाया जाएगा, ख्वाह इसमें किसी हद तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। ठीक है, पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जाए, मुलाकात का अहवाल बता रहे थे मोहम्मद यासीन। आपका शुक्रिया।